बेगूसराय जिले के मंझौल ओपी क्षेत्र में इन दिनों चोरी की घटना लगातार हो रही है। कुछ दिनों पहले शिक्षिका एवं सीआरपीएफ जवान के घर में हुई चोरी कांड के बाद अब मंझौल पंचायत एक के बड़कुड़वा टोला में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मंझौल ओपी को दिए गए आवेदन के अनुसार उक्त टोला निवासी दिलीप राय ने बताया कि रविवार रात करीब 12 बजे घर के पिछवाड़े से दीवार फांदकर अज्ञात चोर घर में घुसकर एक बक्से में रखा नगद 54,000 रुपये, लगभग 3 भरी सोना का जेवर जिसका बाजार मूल्य लगभग 1,20,000 एवं 28 भरी चांदी का जेवर जिसका बाजार मूल्य लगभग 20,000 रुपये होंगे की चोरी कर ली एवं जमीन से संबंधित कागजात को इधर उधर फेंक दिया। विगत दिनों एक शिक्षिका सीआरपीएफ जवान एवं बड़कुड़वा निवासी दिलीप राय के घर में चोरी के जो भी मामले आए हैं उसमें चोरों ने जेवरात और नगद रुपये को ही निशाने पर लिया है। बताते चले कि इन दिनों मंझौल में चोरी करने वालों का गिरोह काफी सक्रिय है, लेकिन पुलिस प्रशासन सुस्त नजर आ रही है। मंझौल पुलिस पस्त और चोर मस्त नजर आ रही है। ब्यूरो न्यूज बिहार के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट। क्या घटना हुआ आपके साथ? हमारे साथ में घटना यही हुआ है कि हम कल यहाँ पर नहीं थे, लगभग 2:30 के बीच में चले गए थे आँख का ऑपरेशन करने चांसलर हॉस्पिटल पपरौर। उसके बाद में मेरे घर में सिर्फ दो बहू थी और परिवार चले गए थे डेरा पर रह रही थी। वो घर सुना मिला आकर के रात में चोरी जो कर लिया। क्या क्या चोरी हुआ? 3 भरी सोना था और ये 54,000 रुपया था नगद, 28 भरी चांदी, 3 भरी सोना, ये सब सामान हमारे ले लिए। किसी पर कोई शक लगता है आपको? शक किसी पर नहीं है, शक तो सिर्फ भगवान पर है कि मेरे घर में चोरी होगा। आज तक ऐसा कभी चोरी नहीं हुआ था जीवन में। अपने आवेदन थाना में दे दिया? हाँ, थाना में आवेदन कर चुका है। हम नहीं थे जी, हम नहीं थे, लेकिन थाना आवेदन में पड़ चुका है। पुलिस वाले सब आए थे यहाँ पर। मंझौल पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? मंझौल पुलिस प्रशासन से यही कहेंगे जो बार बार इस तरह से अगर हरकत होगी इस समाज में इस गांव में तो फिर पुलिस रह क्या करेंगे। इस अच्छा पुलिस थाना ना रहे, क्या गश्ती पर रहना चाहिए पुलिस को? हाँ, पुलिस को बिल्कुल टाइट गश्ती रहना चाहिए। वो अपना